सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज का वीडियो लेके आ रहे हैं रौनक सोनक डेयरी फार्म मिंगणी खेड़ा से। ये वो एरिया जहाँ से मैं कहूँगा रोहतक जींद की मंडियों से भी ज़्यादा पशु दुनिया से बिकता है। जब आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो जब ग्राहकों को ये नहीं पता होता था कि रोहतक जींद से आगे हरियाणा भी है, या ये सोचते थे कि रोहतक और जींद शहर से आगे तो हरियाणा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे YouTube Facebook चलने लगे हैं तो लोगों को पता चलने लगा कि पैसे कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं। तो रौनक सोनक डेयरी फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं मिंगणी खेड़ा से, ज़िला हिसार से, हिसार से बगला रोड पे ये गांव है, लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे। बाबू जी से बात करेंगे, भैंसों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी भैंसे खड़ी हैं जी आज अपने पास? आज 8 भैंसे सर। 8 भैंसे, सभी बिकी हुई हैं या बिकने वाली हैं? एक बूरी जा रही है, बाकी 7 बिकी हुई है। 7 बिकी हुई हैं। तो कहाँ जा रही हैं जी बिक के? ये लखनऊ जा रही है। लखनऊ जा रही हैं। तो इन भाइयों ने, इन्होंने खरीदी हैं? हाँ, इन्होंने खरीदी है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। सारे पशु आपने ही खरीदे हैं जी? जी। दूध बेचने का काम है या पशुधन बेचते हो? पशुधन बेचते हैं। अच्छा, सेल परचेज का काम है उधर? जी। ठीक है ठीक है। तो किधर से दिखाना शुरू करोगे जी भैंसे बताओ बाबू जी, कितने दूध वाली है? इधर से ये खोल लो, एक नंबर वाली। आप बताओगे भाई साहब? हाँ, ये इनसे पूछो साहब। अच्छा, इन्होंने 2 टाइम 3 टाइम लिया है, इन्होंने अपना दूध नपे। पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें जिस ग्राहक ने पशुधन खरीदा है वही रेट और कीमत बताएगा। बताओ जी, कौन से ब्यात की है, कितना दूध निकाला है आपने? दूसरे ब्यात की है, 12-13 लीटर दूध तैयार है, 2 टाइम निकाल के। 12-13 लीटर दूध तैयार है, 2 टाइम निकाला है, दूसरे ब्यात की है। कितने की खरीदी है भाई साहब? भाई साहब 83,000 की। 83,000 की। कितने टाइम दूध देखा है? 2 टाइम। 2 टाइम दूध देखा है, 83,000 रुपये की खरीदी है, बिल्कुल छोटे सींग की 12-13 लीटर दूध तैयार जो है भाई साहब ने बताया। 2 नंबर वाली भाई साहब कौन से ब्यात की खरीदी है? दूसरे ब्यात की। इसमें कितना दूध है? इसमें भी 12-13 लीटर। इसमें भी 12-13 लीटर दूध है। ये कितने की खरीदी है? ये 77,000 की। इसका कितने टाइम दूध देखा? इसका भी 2 टाइम दूध देखा है, 77,000 की खरीदी है। दूसरा ब्यात साफ सुथरी जोटी देखिए, और खुद जो ग्राहक हैं वही रेट दूध कीमत सारा कुछ वही बता रहे हैं। ले आओ, बिल्कुल छोटा सींग साफ सुथरी भैंस, 77,000 रुपये कीमत बताई। और बच्चे भी मैं इनके दिखाना चाहूँगा जो भैंस हैं, जो 1 नंबर वाली का थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ताज़ी ब्याई हुई हैं। दूध भी जो है भैंसों का बढ़ने वाला है। ये सफ़ेद माथे वाली भाई साहब, ये कौन से ब्यात की है? ये तीसरे ब्यात की है। तीसरे ब्यात की। इसमें कितना दूध है? इसमें 12 लीटर दूध है। इसमें भी 12 लीटर दूध है। ये कितने की खरीदी है? ये 67,000 रुपये। 67,000, 67,000 की खरीदी है, 12 लीटर दूध। देखिए माथा वाइट, पूंछ ज़्यादा सफ़ेद, लेकिन दूध बेचने के हिसाब की बिल्कुल बढ़िया साफ सुथरी भैंस है, और नीचे से अडर और थनों की क्वालिटी ठीक है। रेट के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल बढ़िया, दिल्ली नोएडा गुड़गांव के जो डेयरी वाले भाई हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसी भैंसे खरीदते हैं, जो बाखड़ी भैंसे 30-35-40 की बिक जाती हैं। हाँ जी, 14 किलो नेप के रखे हैं, 3 टाइम 14 लीटर दूध नापा है जी। ठीक है ठीक है, आप 12 बता रहे थे शायद, हैं? हाँ ठीक है ठीक है। आगे वाली बताओ, कौन से ब्यात की है? तीसरे ब्यात की है, खीस से खाली होती हुई, कच्चे दूध से खाली होती हुई। ये कितने की खरीदी है भाई साहब? ये 75,000 की। ये 75,000 की। कितना दूध दे देगी, क्या आइडिया लगाया आपने? दे देगी 14-15 लीटर दूध। 14-15 लीटर दूध दे देगी, 75,000 रुपये की खरीदी है। देखिए खीस से खाली होती हुई भैंस, टाइम चाहिए किसी भी भैंस को बनने के लिए। ये देखिए रौनक सोनक डेयरी फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जो भी भाई पशुधन लेना चाहते हैं, आज की वीडियो में तो मेरे ख्याल से बिल्कुल छोटे रेट का पशुधन है, मेरे ख्याल से 60,000 से शुरू होके आप 70-80-90 लाख 1.25 लाख तक की भैंसे इनके यहाँ से ले सकते हैं। फिर उधर से कौन सी दिखाओगे जी? एक नंबर वाली ले आओ। ये कौन से ब्यात की है भाऊ जी, बताना कौन से ब्यात की है? ये दूसरे, दूसरे की है। इसमें कितना दूध है? 16-17 लीटर। 16-17। ये कितने की ली है? 92,000 की ली है, 16-17 लीटर दूध तैयार है। देखिए इसका कितने टाइम दूध देखा है भाई साहब?
इसका तीन टाइम देखा है, ये भी दूध निकल के भी आया साहब। अच्छा अच्छा दूध निकल के आया है, देखिए साफ सुथरी, ये भी लंबाई ऊंचाई की बढ़िया, थोड़ा सा ऑर्डर में टेढ़ापन, इसीलिए जो कीमत है वो 92,000 रुपये है। अगर साफ सुथरा चौड़ा दो चौरस ऑर्डर होता तो मैं कहूँगा इसकी कीमत अलग ही होनी थी भैंस की, लेकिन भाई साहब ने पूरी तरीके से अपनी तसल्ली की है, तीन टाइम दूध देखा है, और पहली कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें खुद जो है पशुधन लेने वाला ही रेट दूध कीमत सारा कुछ खुद ही बता रहे हैं। ये आगे वाली भाई साहब, ये कौन से ब्यात की है? ये दूसरे दूसरे ब्यात की। ये इसमें कितना दूध है? इसमें 15 लीटर दूध। 15 लीटर, ये कितने की खरीदी है? ये भी 91,000 रुपये की। 91,000 की खरीदी है, 15 लीटर दूध है छोटे सींग की, खोल के आएगी तो पीछे से भी देखते हैं कैसी है। और इसका भी तीन टाइम देखा या दो टाइम? तीन टाइम। इसका भी तीन टाइम दूध देख, ठीक है ठीक है, तीन टाइम दूध देख के देखिए, ये जो टीवी खरीदी है 15 लीटर दूध, इसका भी निकला हुआ है क्या दूध अभी? जी इसका भी दूध अभी निकला हुआ है, देखिए पशुधन जो है अभी आया है मेरे ख्याल से बाहर से, और अभी जो है गाड़ी में लोड, किस टाइम होंगी गाड़ी में लोड भाई साहब? 3 बजे के आसपास दूध निकल के ही होंगे फिर तो, निकल के तरफ के। तो कल सुबह तक पहुंच जाएंगी लखनऊ या टाइम लगेगा? नहीं, कल सुबह तक पहुंच, कल सुबह तक पहुंच जाएंगी। ये वाली भैंस कितना दूध है इसमें? इसमें भी 14 लीटर दूध है। 14 लीटर, तो ये कितने की खरीदी है? 86,000 रुपये की। 86,000 की, 4-5 टाइम देखा है दूध? 86,000 रुपये की है, 4-5 टाइम दूध देखा है, और 14-15 बताया ना दूध? जी 14-15। 14-15 लीटर दूध है, इसका भी दूध निकला हुआ है शायद ना? इसका दूध है, सुबह सुबह ये वीडियो बना रहे हैं, लगभग 8:30 बजे निकला था, तो सुबह 8 बजे फिर निकल के फिर आइए। अच्छा सुबह 8 बजे, ठीक है ठीक है। ये देखिए अगर शाम के टाइम ये वीडियो बनाया होता तो वैसे और भी बढ़िया लगती, लेकिन बहुत सारे भाई बोल देते हैं कि थनों पे उतरी हुई हैं। मैं कहूँगा खाली या बीच बीच के लगभग 6-7 घंटे की वीडियो बनाएं तो आइडिया भी जो है किसान भाइयों को हो जाएगा, लेकिन एक वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप तक पशुधन दिखा दिया जाए, डेयरी वाले का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाए, उसका एड्रेस दे दिया जाए, फिर आप पशुधन ले कर जैसा कि इन भाइयों ने दो टाइम तीन टाइम चार टाइम देखा है दूध भैंसों का, फिर जो है वैसे लेनी चाहिए। ये बूरी बताओ जी कितना दूध है, कितने की बेचनी है? ये तीसरे ब्यात है और पिछले साल इसने 21-22 लीटर दूध निकाले है, और 10 दिन और लेगी बेहने में। अच्छा ब्याने वाली है, 10-12 दिन और 20-21 लीटर दूध दिया है पिछले साल अपना घर पे थी, ठीक है। किने भी 19 लीटर दिया है, खारकी ने भी 19, दूसरे ब्यात में 20-21, तीसरी बार भी आएगी। ये कितने की बेचनी है? ये साहब ब्याने के ऊपर ही बात है, दूध न पाके दूध तोल के ही रेट करेंगे, ज्यादा रेट की बेचनी होगी फिर तो। उम्मीद है 24 किलो पर काट दे तो 24 भी निकाल सकती है, देखिए 10 दिन बाकी हैं, साफ बढ़िया बनी हुई है नीचे से अभी, और 10 दिन लेगी तो और बढ़िया उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा भैंस से। ये देखिए भैंस इसके पूंछ हटा देगी। अच्छा बढ़िया जगह है नीचे, पिछले साल भी अपना करेगी, ठीक है ठीक है। तो क्या कीमत की भैंसे देते हो जी भाइयों को जो भी बाहर से आते हैं? जो भी बाहर से आता है, जो अपना जैसे भी भैंस लेना चाहता है, हाँ हाँ, उसी भैंस दिलाता हूँ साहब मैं, ठीक है। वैसे किस कीमत की लगभग? छोटे से छोटा 70-75 से लेके 1.5 लाख 1.25 लाख, जो सरदार पंजाब के आते हैं ना, हाँ हाँ, सुथरी साफ सुथरी झोटी लेना चाहते हैं, हाँ हाँ, तो 2-3 टाइम दूध न पाके ही दिलाता हूँ मैं, ठीक है। बाहर से किसानों के यहाँ से दिलाते हो? सब किसानों के पास से, ठीक है ठीक है। आप भी आना भाई साहब एक बार, आके पूछेंगे आपसे भी दो बातें, कैसा व्यवहार रहा भाई साहब का, कि कोई खाने पीने की रहने की कोई समस्या रही हो? बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आई किसी तरह की? अच्छा तो उधर कौन से एरिया में बेचते हो आप वैसे? लखनऊ में, प्रॉपर लखनऊ में, कौन सा क्या बोलते हैं उसको, कोई कॉलोनी होगी कोई जगह होगी? दुबग्गा, ये कोई कॉलोनी है क्या या कोई गांव है? कॉलोनी है, दुबग्गा कॉलोनी में बेचते हैं वैसे, ठीक है ठीक है। दूध भी बेचते होगे फिर तो? जी दूध भी बिकता है, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये देखिए रौनक सोनक डेयरी फार्म से वीडियो लेके आए, पूरे इंडिया में सप्लाई अगर भैंसों की बात करें तो, गाय को तो बहुत सारे भाई देना पसंद नहीं करते हैं काफ़ी जगह, लेकिन वैसे आप जो मर्जी हो जहाँ भी मंगवा सकते हैं इंडिया में, तो आप इनके यहाँ संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट किसान भाइयों के यहाँ से,
पशुधन इनके यहाँ से दिलवा जाता है। रौनक सोनक डेयरी फार्म गांव मिंगणी खेड़ा जिला हिसार से लेके आई ये वीडियो। सभी भाई जो भी लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से नमस्कार।